राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्बू संभाग की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की फायरिंग से प्रभावित लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे, जिसके बाद जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए आजाद ने कहा, जम्मू कश्मीर का मसला एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ये दो देश के बीच का मसला है। इस द्विपक्षीय मुद्दे को लेकर दुनिया के कई देशों के नेताओं ने मध्यस्थता की पेशकश की गई, पर इस द्विपक्षीय मुद्दे का हल दोनों देशों को राउंड टेबल टॉक या वार्ताकारों के जरिए हल करना चाहिए। वहीं इसी दौरान पीडीपी के वरिष्ठ नेता चौधरी गारू राम ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया, जिसका पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। दिस इज एन इंटरनेशनल इशू, एवरीबॉडी नोस, वी मे नॉट एंड वी वांट इट टू सॉल्व दिस बायलैटरली, वी डोंट वांट टू मेक इट इंटरनेशनल, वी हैव ऑलवेज दैट हैज ऑल थ्रू द पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी दैट वी डू नॉट वांट सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दे वांट or to be the middle men, but the Congress have always said that is a bilateral issue between us and the Pakistan. We don't want any intervention from any third party. So, having said that this is a bilateral issue, it can't be solved. It can't be solved within one day. At least we had started the, you know, process. The ball rolling had started, and that was the process of the round table conference, that was the process of having interlocutors, and there were working people on the their recommendations on the round table conference. There was a special group, special cell looking after that. There was some people going into the recommendations made by interlocutors and then see how what are the things common between the report of the interlocutors and the report of the working groups. This is not a small thing. What we are talking that you have to begin somewhere. So we began somewhere and we had achieved almost 75%. Yes, we couldn't complete that 100% because we were short of completing 25%. We had made the foundation, we had made the building, we may not be able to put the rooftop on it because before that we were out. Now this was the for this government to carry it forward. They had only 25% task to undertake and accomplish, which they failed to. But India will not form a policy for 4 years vis-a-vis Pakistan. एक foreign minister हिंदुस्तानी जहाज में, सरकारी जहाज में, और यहाँ केंद्रीय सरकार जम्मू कश्मीर के बैंक से 3 militants को छुड़ाकर जिन्होंने सैकड़ों कत्ल किए और कंधार में पाकिस्तान के हवाले करते हैं, ये भी हिस्ट्री है। We are not talking about वाजपेयी जी, don't drag वाजपेयी जी, nice person, a noble person into this. We are talking this present government got elected in the name of सुरक्षा, in the name of आंख से आंख मिला के देखेंगे, ये आम हमारी गर्दन एक काटे हैं हम 10 काटेंगे, ये उस पर जीत के आई है। सर मेरा एक सवाल है सर, वाजपेयी जी ने ऐसा सवाल कभी स्टेटमेंट नहीं दिया। पीडीपी उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन अलायंस बीजेपी, बिकॉज पीडीपी हैज गॉट मैंडेट फॉर पीडीपी समथिंग एल्स, द डे दे ब्रोक द प्रॉमिस विद पीडीपी, पीडीपी वाज फिनिश्ड, इज नाउ ओनली बाय नेम से, दिस इज बीजेपी पीडीपी ब्रैकेट में पीडीपी। जो फिर मैं बताऊंगा कि जब तक एक समाधान नहीं होता है तो ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आती रहेगी, हमारे लोग मारते रहेंगे, हमारे लोग जख्मी होते रहेंगे और लोग ये अनसेटल्ड रहेंगे। अब 70 साल से अनसेटल्ड है, ये कोई भी जिंदगी है कि आप परमानेंटली अनसेटल्ड हो, आपको भरोसा नहीं है। नेचुरल मौत से कोई किसी को शिकायत नहीं होती, लेकिन एक गोला आ गया और आप है नहीं, तो इसके लिए केंद्रीय सरकार को मैं वहां भी जगाऊंगा, हम जगाते हैं कश्मीर पे, आप देखते हैं हर साल में 2-3 बहसें तो हम करा ही देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफा जिस तरह का मैग्नीट्यूड हमारे यहाँ और जिस तरह का नुकसान हुआ है, हमारे फौजियों का नुकसान हुआ, सिविलियंस का नुकसान हुआ, माल मवेशी का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा का नुकसान हुआ है,
ये इस वक्त हमको बड़ा, कोई पॉलिटिक्स इसके पीछे नहीं है। पॉलिटिक्स पर जम्मू कश्मीर की और सुरक्षा पर वो जीते थे, खाली हम उनको रिमाइंड कर रहे हैं, याद दे रहे हैं कि आप इसी पर जो जीते थे उसको जो अब भूल गए उसको याद करो और उसका समाधान निकालो। थैंक यू वेरी मच। जम्मू से विजय भारतीया, अलर्ट इंडिया न्यूज़।